रुपए में 1 ग्राम न्यूट्रिशन यानी इसके 4 कैप्सूल हम खरीद पाते हैं, और अगर हम 4 कैप्सूल भी पर डे इस्तेमाल करते हैं तो 1 किलो फ्रूट्स और वेजिटेबल का न्यूट्रिशन हमें मिलता है। और साथ में इसके अंदर कुछ खूबी शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, यानी जो हवा से, पानी से, भोजन से गलत चीजें शरीर में आ रही हैं उनको निकालने की भी क्षमता इसके अंदर है। तो कुछ न्यूट्रिशन और कुछ डिटॉक्सिफिकेशन शरीर का होता रहे तो हम इसके द्वारा भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब इस डॉक्टर लिम को पता था कि हर आदमी हर चीज को अफोर्ड नहीं कर सकेगा, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि मजबूरी में कैप्सूलिंग ही करनी पड़ती है, क्योंकि अगर उनको नमी पकड़ पड़ेगी, उनके अंदर हवा आएगी तो वो मेल्ट हो जाएंगे। ये समुद्र की चीज है, इसका निकाला, सुखाया, पाउडर बनाया, लेकिन ये मेल्ट होने का डर रहता है, तो इसको मैंने इसकी कैप्सूलिंग करी, इसकी भी कैप्सूलिंग करी। अब इससे क्या होता है, कैप्सूल को देख के लोग क्या समझते हैं कि ये दवाई है, बल्कि दवाई नहीं है, कुदरत का दिया हुआ ऐसा एक फल फ्रूट या सब्जी या एक ऐसी हर जड़ी बूटी है जिससे कि हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं की साफ सफाई होती है, और उसकी जरूरत की चीज जो उसकी जरूरत है वो पूरी होती है, तो सारे अंग जितने भी ऑर्गन है वो अपना अपना काम सही ढंग से कर पाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कैप्सूल में लोग दवा समझेंगे, तो उन्होंने क्या करा कि इसको चाय में, कॉफी में, टूथपेस्ट में मिलाया। अभी सुबह उठते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, ज्यादातर लोग टूथपेस्ट ही करते हैं, लेकिन कभी किसी ने टूथपेस्ट को उठा के उसके डब्बे पे ये पढ़ने की कोशिश नहीं करी होगी कि इसमें क्या लिखा है। और यही हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम सुबह से शाम तक सैकड़ों चीज इस्तेमाल करते हैं और सैकड़ों में से 10 चीज को भी उठा के देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, और अगर देखने की कोशिश भी करते हैं तो वो ऐसे क्रिटिकल वर्ड में लिखते हैं कि आपको या तो समझ में ना आए, या छोटे छोटे वर्ड में लिखता है कि आपको जल्दी से पढ़ ना पाए। इसलिए इनको कैसे भी करके इनको पढ़ना चाहिए हमें। मैं एक टूथपेस्ट का उदाहरण ले रहा हूँ, अभी ज्यादातर घरों में सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले टूथपेस्ट इस्तेमाल हो रहा है, और पहले टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं होता था, कोयला, नीम जैसी चीजें इस्तेमाल होती थी, तो आप लोगों को याद होगा कि दांतों की बीमारी भी कम थी। आपको तो खास दांत के डॉक्टर भी नहीं होते थे इस इलाके में, पूरा एक सेट ही होता था डॉक्टर का। अभी अपने बीमारी आ गई, डॉक्टर है तो दांतों के बारे में, डेंटिस्ट के बारे में ये अच्छी तरह बता सकते हैं, उन्होंने बता दिया। ये साफ दिल है, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि उस टाइम में वाकई में इधर एक ही डॉक्टर होता था, सिर्फ एक डॉक्टर सेटिंग हुआ करता था, और इतनी सारी पब्लिक का कवर करता था बस। सही बात, एक कोलगेट बनाई, डेंटिस्टों की रोजी रोटी तो चालू हो गई। हाँ, अब कोलगेट बनाया तो कुछ सरकार के जिम्मेदारी होती है कि जो चीज मार्केट में आ रही है वो क्या है, कैसे है, उस पर नजर रखना है, और उसमें क्या डरा है वो उस पर लिखना है। तो नजर रखने का काम तो भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, सब घटना चल रहा है, लेकिन लिखना उसकी मजबूरी है तो वो उस पर लिख देते हैं कि इसमें क्या है। तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मार्केट का कोई भी टूथपेस्ट आगे देख लो, कोई भी किसी भी कंपनी का, और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कोई टूथपेस्ट ऐसा नहीं है जिसमें हानिकारक केमिकल ना हो। और ये बात उन्होंने उसमें लिख भी रखी है कि हमने ये एक हानिकारक चीज में डाल रखी है, उसके बावजूद भी लोग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्यों? अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, मालूम नहीं है कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ये सारी चीजें स्कूल कॉलेज पढ़ाई ऐसी है, एक बार पी के देखो उसको क्या ऐसा लगा, किसी के ये जो कॉफी दिखाई है ये बनाई है, कैलोडर्मा की है ये मेनली क्या है, आप पी के देखो उसको, जैसे ऑन तो कॉफी चाय पीते हैं आपको पता है थोड़े भारी सी लगती है, इसको पीने के बाद थोड़ा कुछ तो डिफरेंट लगेगा। देखो आप तो तजुर्बे का किसान है, आपको तो पहले पता चलना चाहिए, ज्यादा जिंदगी जी आपने हमसे, तो आप तो इसके स्वाद पे मत जाना, क्योंकि हमने इसको स्वाद के हिसाब से नहीं बनाई है, इसको स्वाद के साथ बनाई है। बाकी स्वाद के लिए आप इसमें चीनी, थोड़ी चीनी, शक्कर या नहीं है, इसके ये गैस एसिडिटी नहीं करेगी, इसे नुकसान नहीं करेगी। ये पहली चीज है जो नुकसान, देखो फायदा करने वाली तो चीज ही नहीं है दुनिया, नुकसान करती है, फायदा करती है दोनों, ये अगर फायदा नहीं करेगी नुकसान नहीं करेगी। इसमें स्वाद कम आ सकता है, लेकिन स्वास्थ्य पूरा आएगा। स्वाद कम क्यों है, क्योंकि इसको पूरी तरह ऑर्गेनिक बनाया गया, जिसमें बाहर से कुछ नहीं डाला, इंसान का बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं, सारी जड़ी ये सारा कुदरती है। जैसे बोले भाई, या तो स्वाद ले लो या स्वास्थ्य ले लो, जो स्वास्थ्य स्वाद में देखो, आप लोग देख भी रहोगे ज्यादातर बीमार वही है जो स्वाद पे ज्यादा, स्वास्थ्य पे ज्यादा, और जो स्वास्थ्य
स्वास्थ्य पे डिपेंड है, जो ज्यादा स्वस्थ दिख रहे हैं। स्वाद के चक्कर में लोग बोलते हैं भैया एक चीनी डाल दो, एक चम्मच उसमें मीठी कम है, और वो देखो वो एक कप ही खराब है। सही बात है ना, तो स्वाद के चक्कर में स्वास्थ्य बोले बताओ। अभी डॉक्टर लिन जो एक साइंटिस्ट है तो वो अच्छी तरह शरीर को स्वास्थ्य को समझता है, तो उन्होंने क्या करा के उन्होंने उसको इस हिसाब से बनाया कि इसमें बाहर से कुछ नहीं डालू, कुदरती तौर पर जो जेनोडर्मा होगा वैसा उन्होंने इसका उसमें कुछ हिस्सा डाला, कुदरती तौर पर जो कॉफ़ी होगी उसको उन्होंने पाउडर बनाया, और पाउडर बनाने से पहले उस कॉफ़ी के बीज में से दुनिया में सबसे बेहतर कॉफ़ी ब्राज़ील की होती है, और कॉफ़ी बुरी चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर कॉफ़ी प्योर नहीं है तो वो बुरी चीज़ है। उसमें चिकोरी भी ऐड होती है, यहाँ पे चिकोरी भी ऐड करते हैं, तो कॉफ़ी नहीं आती, कॉफ़ी नहीं आती, वो चिकोरी चिकोरी दे देते हैं कॉफ़ी के नाम पे, बस कॉफी बुरी चीज नहीं है। अगर चाय कॉफी बुरी चीज होती तो दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीज चाय कॉफी है, तो बुरी नहीं है, लेकिन अगर वो आपको प्योर नहीं मिल रही है तो वो बहुत बुरी है, क्योंकि जब प्योर नहीं है कॉफी के बीज में जो हाई क्वालिटी की होती है उसमें कैफीन कम होता है और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, एंजाइम ज्यादा होते हैं जो हमारे शरीर को सपोर्ट करते हैं। अगर कॉफी प्योर नहीं है तो उसमें एंजाइम कम है, एंटीऑक्सीडेंट कम है, कैफीन ज्यादा है, कैफीन ज्यादा होना ही नुकसानदेह है। अच्छा एक चीज मैं ऐड करूंगा, जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, अगर कुछ कंट्री से बाहर की कंट्री है, ये प्रोडक्ट्स मतलब 200 देशों से ज्यादा उसमें इसकी बिक्री होती है, बाहर लोग यूज करते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इसकी एंट्री होने से पहले लैब टेस्टिंग होती है, सारी कंट्रियों में पहले लैब टेस्टिंग होती है, तब उसकी एंट्री होती है। इवन कई जगह पेस्ट कोलगेट बिल्कुल बैन किया हुआ है, वो बड़े यूज तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ उसमें खतरनाक केमिकल चीज है, इसलिए उन्होंने बच्चों को बैन किया हुआ है। बच्चों के लिए उन्होंने मिलावटा कुछ बनाया हुआ शुगर वगैरह डाल दिया, कोई ठीक नहीं। ये पेस्ट जो है काफी चमत्कारी पेस्ट है, इसके अंदर हम कहें मिनी रॉक है। मैंने इस पर मैं बता दूँ, मैंने इस प्रोडक्ट का यूज़ किया हुआ है, मेरी उम्र 54 साल है, कल 2 दिन पहले मैंने अपनी डायबिटीज चेक कराई है, ब्लड प्रेशर चेक कराया, ब्लू टी के कॉम्बिनेशन कुछ नहीं करा इसी से, और इससे पहले मेरी वाइफ को था थायराइड था, तो थायराइड होता है कि वो उम्र के मतलब लाइफ के साथ ही जाता है, वो थायराइड की उन्होंने टेबलेट्स खाई हैं वो खा दी। मेरी वाइफ को एक जेनुइन होते हैं यहाँ से, मतलब ना ऐसे दाने हो गए इतने मोटे मोटे दाने कि वो डॉक्टर भी नहीं देख पा रहा था, वो खुट नहीं पा रही थी, ब्लड प्रेशर दवाई भी नहीं खा रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, खाना खा रही थी। मैंने किसी का अपना ये अपना स्पिरुलिना ये पेस्ट और ये ऑयल मिला के अपने हाथ से, डॉक्टर ने मना कर दिया, अपने हाथ से मैंने उनको लेप लगाया उसको और यही खाने लग गया 7-8 दिन के बाद। हाँ जी, 7-8 दिन के बाद वो खड़ी हो गई थी, खाने का नहीं यूज कर सकते, खाने यूज कर सकते, तो मतलब वो लगा जो ऐसे दाने थे मोटे मोटे वो देखे नहीं आ रहे थे। मैंने खुद अपना से लेप लगाया, इन तीनों चीज़ों का एक यही है, एक कैनोडा है और एक ही इनका लेप लगाया कमरे के अंदर, और मैं उसको दो बार लगाता था, धीरे धीरे वो ऐसे तो मतलब ना उड़ पा रही थी ना बैठ पा रही थी, क्योंकि वो बड़ी चुभन चुकी थी। खाने में क्या दे रहे थे आप, कौन सी खाने में ये और चाय भी दे रहे थे? हाँ चाय भी, चाय तो हमारे क्या प्रॉब्लम चलती है, चाय तो सबसे पहले हमारे दिन स्टार्ट होता है और चाय से स्टार्ट होता है, चाय की तो जितनी भी खूबियाँ हैं जितनी भी तारीफ